मुझे लगता है कि जो हमने इसको ब्रेक करना था ना, उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। हाथों से ही ब्रेक हो गया, दरदरा हो गया। आज इतनी बड़ी कढ़ाई आई पड़ी है, इतना बड़ा इसका ये चमचा या जो भी है, मुझे इसका नाम नहीं आता, ऐसे जो हमारी फिश है ना, पोनी पोनी है, एकदम से ऐसे बंदा करके तो निकाल लेगा सुकून से। और इसमें जाएगा 2 किलो घी, 2 किलो घी और इतनी बड़ी कढ़ाई और थोड़ी सी मछली, 1.5 किलो से 50 ग्राम ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। क्या हुआ? लग गई मैंने तेरी समझ। हाँ बड़ा तू है तेज, खींच इतनी न मार ले। हमें मछली बनाते 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 7 बज गए हैं रात के। और खास तौर पे जिस दिन घर में चिकन बनाओ, मटन बनाओ, बीफ हो, फिश हो, तो ऐसे भूख बहुत ज्यादा लगी। खास तौर पे हम जब पिज्जा खाने जाते थे ना, तो उधर खुशबू आती थी, तो मैं ऐसी हो जाती थी। सजाद कहता था केचप निकाल निकाल के ना वो खानी शुरू कर दो, तो भूख बहुत ज्यादा लगी। अच्छा मैं इधर भी आपको कहता हूँ कि ये लेमन पड़े हैं ना, इसका रस निकाल निकाल के पीना शुरू कर दो। लेमन की बात बताऊँ तो लेमन हमें जो है ना, हमने इनको कितनी मुश्किल से ढूंढा है, हम बता नहीं सकते। बता दूँ? नहीं, असल में ना ये लेमन जो है ना, मुझे लेना भूल गए थे, और हमने अभी ना अपने हमसायों से ना लिए, मतलब वो ताजे ताजे तुड़वाए हैं उनसे। और हाँ, लेमन अच्छे वाले हैं, ताजे हैं और रस बहुत है। दरअसल हम पता है क्या, हमें लेमन मिले नहीं, और फिर हम थक हार के, हमें किसी ने कहा कि फिश में ना माल्टा जो है ना, कच्चा माल्टा, उसका रस भी निचोड़ के वो भी खट्टा होता है ना। तो अब्बू ने बोला कि हम साए के आए, तो चलो मैं उधर से लेके आता हूँ। अब्बू उधर गए तो उन्होंने बोला भाई माल्टे नहीं, हम आपको लेमन देते हैं। तो मैं तो इतनी खुश हुई हूँ, मैंने कहा शुक्र है आज हमें, मैं इतनी नाउम्मीद होकर बैठी थी, मैंने कहा आज तो हमारा ना मजा ही सारा खराब हो गया। हम शहर गए थे, हमने कहा कि आप शहर गए थे, उधर से लेमन ले आते। हमारे घर में लेमन अल्लाह का शुक्र है हर वक्त होते, क्योंकि सजाद को ना बहुत ज़्यादा पसंद है लेमन, ये बहुत ज़्यादा शौक से खाता है। और लेमन ये इतने मज़े के लेमन है ना, ये ना ताज़ा अभी, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इनको ना हाथ से ही आप कर लो। अच्छा, अच्छा इनसे ना ये है कि बीज नहीं जाएगा ना, बीज नहीं जाएगा ना, तो ये देखें रस वाले, रस वाले। और कढ़ाई देखो मिसबा की, इतनी बड़ी कढ़ाई है। हम जब भी फिश लें तो इसका जो छिलका होता है, इसकी जो जिल्द होती है ना, हम लाजमी तौर पे उतरवाते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, इसके ऊपर जो छिलका होता है ना सर, वो उतरवा लेते हैं और उसकी जिल्द नहीं उतरवाते। इसकी अगर जिल्द उतरी हुई हो ना, तो इसमें मसाला अंदर तक जज़ब होता है और फिर मज़े की बहुत बनती है। अभी टाइम है निब्बू निचोड़ने का। निब्बू लेमन, हंसी तक ही जबान ना भूलने आए। चलो जी ये गया, तो मसाला हमारा हो गया रेडी, और अभी डालते हैं हम फिश में, मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो फिश जो है ना फ्रिज में रखी हुई है, इसने पानी मजीद छोड़ना, तो इसको हम मिक्स करते हैं। तारे नज़र आ रहे हैं और कुछ टाइम बाद धुंध पड़ना शुरू हो जाएगी। आजकल देहाती इलाकों में ना तकरीबन सुबह 9-9:30 तक धुंध पड़ती है। शुरू करो। तो जी ये है हमारी फिश, जिसको हमने मसाला लगा दिया अच्छे से, और मैंने अभी हाथ धोने हैं, क्योंकि मैंने हाथ को बिठाना होता है। कोई पता नहीं है कि वो किस टाइम रोने लग जाए, फिलहाल तो अभी वो सोया हुआ है। और इतने टाइम तक हम रखते हैं कढ़ाई चूल्हे पे और आग जलाते हैं, और मसाला जो है ना वो भी फिश में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। कई लोग तो इसको कई घंटे मैरिनेट करते हैं, लेकिन हम तो मैरिनेट नहीं, क्योंकि हम सब्र नहीं कर रहे, इसलिए भूख बर्दाश्त नहीं होती।
अब भी रखेंगे हम चूल्हे पे कढ़ाई, बड़े वाली भारी है। और अन्नम बना रही है इधर चटनी। अच्छा बात सुनो, मैं तो कहती हूँ आप ही बैठ के फ्राई करो, चस का काम है, बंदा सुकून से बैठ बैठ के फ्राई करे। नहीं आप आज ये काम कर दो, मसाला तो मैंने लगा ही दिया है, बड़ी चस का। नहीं आप करते हैं, कर दे प्लीज, आप फ्राई करो आज। सही सच में ठीक है डन, जैसे आपने मुझे पहले वीडियो में बोला था ना डन, बोलो डन डन, बाद में नहीं तो मैं बोल दूंगी कि आपने ये काम नहीं किया था। मैं सबके सामने करूंगा फिर। चलो ठीक है, इतनी जल्दी गर्म भी हो गई है। तो सजाद ने ना फाइनली एक पीस डाल दिया है घी में, लेकिन घी जो है ना ठंडा है, आग तो नीचे काफी ज्यादा अच्छा, तेज है। मैंने जब क्योंकि मैं नया नया कुकर हूँ, नया नया नहीं बल्कि आज का कुकर हूँ, अभी का कुकर हूँ, कुकर होता है कुक होता है मैं आज का कुक हूँ। तो मिस्को मुझे कहते जेड़िया तू आता बैठा करे ना, तो किसी ने सड़े से मैं मुड़ को जान वो से या अपनी आता जेड़िया ना खराब की दी अगर चलो ये ना हो सकता है खतरा पावे भाई, मैं तो बैठे तो मैं सड़ ना जावा मैं ना नहीं तू बेकार है चमचा मैं दे। हाँ ते अच्छा पता है क्या है, ये ना बनाने लगे हैं ना तो मैंने कहा रुके रुके मुझे वीडियो शुरू करने दो तो मैंने कहा नहीं आपने ही बनानी है, तो ये पीस जो है ना इसलिए डाला, इसका नमक मिर्च चेक करते हैं कहीं ऐसा ना कम ज़्यादा करना पड़े, तो मतलब ज़्यादा तो हुआ तो फिर तो निकाल नहीं सकते, कम हुआ तो फिर ये है इसमें डाल सकते अच्छा, हैं। वो मुझे ना एक ने मैं काफ़ी कमेंट देख रहा था, वो कमेंट कुछ थे कि अनम आपकी क्या लगती है, तो अनम मिसबा की बहन है और मेरी सिस्टर इन लॉ है, चटनी बना रही है कमरे में जाके, पहले इधर चटनी उसने बना ली, बना के ले गई चली गई फ्रिज में रखने गई ठंडी होने के लिए। तो हम इधर बैठ के फ्राई करेंगे फिश, सजाद करेगा भी मैंने अच्छा, तो नहीं आग तो नीचे काफी ज्यादा है, बहुत तेज है, इसको वो सेक क्यों नहीं लग रहा? वो इसलिए कि ये कढ़ाई जो है ना वो काफी बड़ी है और इसकी और घी भी दो किलो दो है, दो किलो डाला है आज हमने, सबसे ज्यादा घी डाला है जिंदगी में, पहली बार हमने दिल खोल के घी कढ़ाई में डाला, हम घर में इतना ज्यादा घी डाल के दो किलो घी डाल के डेढ़ किलो फिश फ्राई कर रहे हैं, घी ज्यादा और फिश कम, फनी बात है। अच्छा वैसे पहले तो ऐसा होता था कि आधा किलो घी होता था और दो दो डेढ़ डेढ़ किलो फिश होती थी, आज मछली कम है और घी ज्यादा है। चेक करें भाई, तो सबसे पहले ना हम चेक करते हैं नमक मिर्च, क्या कम है क्या ज्यादा है, मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लगा है, मज़ीद आप खुद ही चेक करें, अनम को भी चेक करें, अनम चेक कर, भाई ये ना कहना कि सजाद ने खाई है तो हम भी जल्दी में खा जाएं, मुंह जल गया था मेरा सिम्मा नहीं है, बाद में ये ना कहना आपने बताया नहीं था। बताओ मुझे लग रहा है जैसे मिट्टी काम में, मुझे लग रहा है पूरी है करारी नहीं, अरे मादी करारी होए, मैं करारी करिए करो। हमारा इरादा था इस शेड के नीचे ना बनाने का, अगर इधर बनती तो मज़ा ज़्यादा आना था, क्योंकि ये खुला माहौल था और ऊपर छत भी थी और माहौल भी थोड़ा खुला था। करारी कर ली नहीं? हाँ जी कर ली।
मछली फ्राई हो चुकी है, मछली है इसके साथ लेमन है। 11:25 हुए और मेरा शहजादा हाशिर जो है ना आज अभी तक जाग रहा है, खेलने में मस्त है, सो बिल्कुल नहीं रहा। और मैं साथ लेटी पड़ी हूँ, मोबाइल यूज़ कर रही थी इसी चक्कर में कि हाशिर सो जाएगा, लेकिन हाशिर आज नहीं सो रहा। ये किस टाइम से जाग रहा है, हमने जिस टाइम से खाना खाया और ये है तो यही बस जाग रहा है, पता नहीं ये क्यों नहीं सो रहा। हाशिर तुम क्यों नहीं सो रहे, हाशिर हाशिर तुम क्यों नहीं सो रहे, क्यों नहीं सो रहे, इधर देखो क्यों नहीं सो रहे, हाशिर क्यों नहीं सो रहा। और इधर ना हाशिर के पापा ये पड़े हैं बाहर छुप के, वो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं। भाई ना काफी ठंड है और ये गर्म चादर है तो इसमें भी ना जैसे फील हो रहा है, ठंड लग रही है तो रजाई की जरूरत पड़ रही है ना। हमने सोना होता है ये मच्छरदानी लगा के और ये सोते हैं ऐसे ही बाहर। आश्रय पता क्या कर रहे हैं, आश्रय मोबाइल की स्क्रीन में देख रहा था, मोबाइल की तरफ देख रहा था। अच्छा मैंने इसकी टिकटॉक पे ना एक वीडियो बनाई है तो इसने बड़ी मजे से बनवाई है, अभी देखो देख रहा। मैं दिखाऊं वीडियो, वीडियो में दिखा दूं, हां दिखा दूं, दिखाओ कौन सी वीडियो, ऐसे इसने बनवाई है मैं दिखाती हूँ। ये देखें कैसे इसने बनवाई है, जैसे कोई समझदार बच्चा बनवाता है। मैं हैरान हूँ, इसकी मस्तियाँ चेक करें, ये माशाल्लाह से कितना ज़्यादा एक्टिव हो गया है, कितनी इसने मज़े की बनवाई और कितनी प्यारी बनी है, और करें बस ऐसे ही जाग रहा। हाशिर बेटा सोना नहीं है आज, मेरे सोने ने सोना नहीं है, नहीं सोना आज। बाहर कुत्ते भौंकने की आवाजें आ रही हैं। गाड़ी के साथ ना एक बड़ा मसला हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, अनलॉक कर लूँ सबसे पहले इसको। हाँ हो गई, ये देखें नज़र आ रहा है ना, ये क्या है, आपको जिस चीज़ का हम हमेशा गिला करते हैं ना, ये वो चीज़ है। क्या करें यार, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे फ़िलहाल, तो मैं इसको साफ़ करता हूँ, जितनी भी इसमें ये चूंटियाँ हैं इनको निकालता हूँ, बट कोई परमानेंट हाल तो करना पड़ेगा ना इस चीज़ का। अगले दिन के 6:03 हो गए हैं और हम आए हैं जी इधर, गाड़ी हमने वापस करनी है, हम फिर इधर से वापसी मोटर वर्क पर चले जाएँगे और गाड़ी यहाँ से चली जाएगी। इधर से जो गांव है ना उसका तकरीबन कोई 4-4.5 किलोमीटर का फासला है। हम घर आ गए थे और फिर हमने खाना खाया है और अभी वीडियो एडिट हो गई है तो अपलोड होनी है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें तो हमें याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। मिसबाह और हाशिर दूसरे कमरे में है और मैं इधर बैठ के वीडियो एडिट कर रहा था।